बिजनेस में और लड़ाई के मैदान में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हमेशा और हमेशा से रही हैं। वो अलग बात है कि 1980 में बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट्स को ये समझ में आने लगा था कि बहुत साल पहले, हजारों वर्षों पहले, जो बातें वॉरफेयर के लिए लिखी गई हैं, मतलब युद्ध क्षेत्र में किस तरीके से हमें कॉम्पिटिशन को बीट करना होता है, किस तरीके से हमें अपने ओपोनेंट को हराना होता है, वही उसी तरीके के टैक्टिक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजनेस स्ट्रैटेजीज में अप्लाई भी कर सकते हैं। बिजनेस में वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आज के जमाने में हम बिजनेस करते हैं, 1980 में ही बहुत सारे बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट को ये बात समझ में आ चुकी थी किस तरीके से युद्ध क्षेत्र में जब हम अपने प्रतिद्वंदी को हराते हैं तो जो जो टैक्टिक्स, जो जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं, एक्चुअली बहुत हजारों वर्ष पहले ही सामने आ चुकी थी। बस उसको पढ़ना भर है और फिर उन्हीं स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस में अपने जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, जो हमारे शत्रु हैं, या फिर जो हमारे कंटेंडर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, हमारी ही इंडस्ट्री में जो हमसे जद्दोजहद में लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए और हमें पिछाड़ने के लिए उस रेस में, ताकि उनके प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज हमसे ज़्यादा बिके और वो टॉप प्लेयर्स बन जाएं, उनको हमें किस तरीके से पीछे करना है, उनसे हमें किस तरीके से आगे निकलना है, ये सब कुछ हम काफ़ी हद तक बहुत हजारों वर्ष पहले से जो वॉरफेयर की स्ट्रैटेजीज चली आ रही हैं, किस तरीके से युद्ध क्षेत्र में हम अपने शत्रु को हराते हैं, बस वही स्ट्रैटेजीज हमें पिक करनी है, उनकी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना है और बिजनेस में भी कंपटीशन को हराने के लिए हम इस तरीके से अपने शत्रुओं को हरा सकते हैं। देखो दूसरी बात है, स्ट्रैटेजी है क्या? स्ट्रैटेजी सिर्फ उस चीज का नाम नहीं है कि किस तरीके से आपने कुछ टैक्टिक्स अपना ली और अपने दुश्मन को हरा दिया या अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया या अपने कॉम्पिटिशन को खत्म कर दिया। स्ट्रैटेजी बहुत एक बड़ा गेम है जहां पे आपको यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को जो आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपके स्टार्टअप में मौजूद हैं, उन रिसोर्सेज से किस तरीके से आप इफेक्टिवली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, ये होती है स्ट्रैटेजी। अब समझना ये है कि कभी कभार जब आप युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले पहुंच जाते हो, जिसको हम आज के बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं और पहले भी कहते आ रहे हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज या फर्स्ट मूवर्स, जो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं या सबसे पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में उतारते हैं, वो सबसे पहले कदम उठाने वाले लोग अपने बिजनेस के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू, या फिर अपने स्टार्टअप्स के थ्रू, या फिर अपने एनजीओस के थ्रू। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आप सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हो, जैसे पहले वॉरफेयर में भी बोला जाता था, युद्ध क्षेत्रों में जितनी भी स्टडीज हुई है स्ट्रैटेजीज के ऊपर बताया गया है कि अगर आप युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचे हो तो जाहिर सी बात है अब आप इंतजार करोगे अपने शत्रु का उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचने का। अब जो शत्रु है जो अभी तक नहीं पहुंचा है क्योंकि आप पहले पहुंच चुके हो, वो जल्दी में भागा भागा आएगा और इस कंफ्यूजन में कि एक्चुअली कहीं आपने ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया है, जिस वजह से आप उसे थोड़ा सा अलर्ट होके थोड़ा सा संभल के आना पड़ेगा और इस वजह से वो शायद आपसे पिछड़ भी सकता है, क्योंकि ये जो आपका प्रतिद्वंदी है, ये जो आपका दुश्मन है, युद्ध क्षेत्र में जब भागा भागा आ रहा है, उसके इतने सारे इमोशंस उसके साथ खेल खेल रहे हैं, उसे एक तरफ तो बहुत ज्यादा निराशा हो रही है कि आप उससे पहले पहुंच गए, कहीं कुछ ऐसा एडवांटेज न ले लें जिसकी वजह से उसे जिंदगी पर पछताना पड़े। दूसरा, उसे डर भी लग रहा है क्योंकि अगर आप उससे लीड ले लिया, अगर आपने उसको कुछ हराने का ऐसा पैतरा चल लिया जिससे जैसे वो पहुंचेगा बस वो ट्रैप में फंस जाएगा जो आप ऑलरेडी बिछा चुके हैं, सिर्फ युद्ध क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचने की वजह से ये सारे इमोशंस आपके प्रतिद्वंदी के दिमाग में चल रहे होंगे। थोड़ा सा वो निराश होगा, थोड़ा सा वो दुखी भी होगा, थोड़ा वो बहुत ज्यादा चिंतित भी होगा, वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होगा, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में भी होगा, उसे पसीने भी आ रहे होंगे और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी होगा। तो इस तरीके की स्थिति में जो आपका ओपोनेंट है, एक्चुअली वहां तक युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही आपसे दिमागी रूप से हार चुका होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले युद्ध क्षेत्र में पहुंच के फर्स्ट मूवर बन के आपने उसको, यानी कि अपने ओपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी को पहले ही दिमाग से इस तरीके से ध्वस्त कर दिया है कि जब तक वो वहां पहुंचेगा सिर्फ और सिर्फ शायद थोड़ा बहुत उसके बाद फिजिकल स्टैमिना बच जाए आपसे लड़ाई करने का, लेकिन मेंटली तो वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तो ये प्रेरणा भी जो है वो हमें हमारे मिलिट्री वॉरफेयर से बहुत पहले, हजारों सालों पहले से अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं, ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें पता चलती है और वहीं से निकाल के हमने फिर अपने एमबीए प्रोग्राम्स में डाली हैं, हमने मैनेजमेंट में सीखने शुरू की हैं, अपने बिजनेस और कंपनीज में इन्हीं स्ट्रैटेजीज को
जो है वो उठा के लगाना शुरू किया है, और अगर इससे और भी पहले जाए तो सारा का सारा स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे वॉरफेयर में इस्तेमाल होती थी पहले, जिससे हमने बिजनेस में अप्लाई की, उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिलिट्री तक नहीं रुकती है बातें। अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें, ये बातें उससे भी पीछे जाती हैं, शास्त्रों तक जाती हैं, हमारे वेदों तक जाती हैं। स्ट्रैटेजीज की बातें करते हैं ना, तो हमें सिर्फ सिर्फ इतना नहीं समझना है कि स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक प्लान ऑफ एक्शन है, या फिर शायद एक प्लानिंग है, नहीं है। स्ट्रैटेजी जो है ना, कभी कभार बहुत ज़्यादा अटर कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमोशन चल रहा होता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि किसको क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस दुविधा से, या जिसे कहते हैं ना इस चक्रव्यूह से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, कोई तो मुझे किसी भी तरह की हेल्प दे दो, कोई तो मुझे किसी तरह की मदद कर दो। तो हमें इस चक्रव्यूह से जब बाहर निकलना होता है, तो आप स्ट्रैटेजी का असल मायने समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। स्ट्रैटेजी का असल मायने यही है कि जब भी आप चक्रव्यूह में फंस जाए, जब आपको समझ में ही ना आए कि कौन सा रास्ता है इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता या कोई भी खिड़की नहीं खुली है इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की, या इस बर्बादी को टालने की, चाहे वो आपका युद्ध क्षेत्र हो, चाहे वो आपका बिजनेस या कंपनी या स्टार्टअप हो जहाँ पे कॉम्पिटिशन ने आपको बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, या फिर युद्ध क्षेत्र में आपका जो ओपोनेंट है, जो आपको प्रतिद्वंदी है, उसने इस तरीके से आप पे हमला किया है कि बस और बस अब आपके पास कुछ नहीं बचा है उससे मुकाबला करने के लिए, ऐसी स्थिति में स्ट्रैटेजी काम आती है। आपको स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ ये समझना है कि जब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी तो आपको स्ट्रैटेजी कैसे मदद करेगी, क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो आपके फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स पे बनी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल का नाम है। स्ट्रैटेजी कोई फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रैटेजी कोई रूल ऑफ एंगेजमेंट नहीं है कि इस तरीके से हमें कोड ऑफ कंडक्ट को निभाते निभाते ये स्टेप्स लेने हैं, बल्कि इसके विपरीत स्ट्रैटेजी जो है वो आपको पल पर जैसे जैसे इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे जैसे घटनाएं घटित होती रहती है, वैसे वैसे आपको किस तरीके से अडाप्ट करना है। अडाप्ट करने से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपको जैसे जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको वैसे वैसे अपने आप को उन घटनाओं में किस तरीके से ढालना है, वो कहलाती है स्ट्रैटेजी, जिसको हमने एक्चुअली युद्ध क्षेत्र से उठा के जब हमने बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई करना शुरू किया तो उसका नाम रख दिया गुरिल्ला मार्केटिंग। और जब हम इसी स्ट्रैटेजी को, इस फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल को युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसे गुरिल्ला मार्केटिंग हटा के गुरिल्ला वॉरफेयर का नाम दिया जाता है। तो स्ट्रैटेजी जो है वो बस और बस यही नहीं रुकती है, इससे अगर नेक्स्ट लेवल पे चल गए तो वहाँ आपको ये पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी जो है वो सबसे अच्छी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले जो आपका प्रतिद्वंदी है, चाहे आप मिलिट्री में हो, चाहे आप किसी युद्ध क्षेत्र में हो, अगर आपका बिजनेस है, आप कोई कंपनी चलाते हो, या आप एक स्टार्टअप चलाते हो, तो सबसे अच्छी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी किस तरीके से बन सकती है। देखो, सबसे पहले आपको अपनी प्रतिद्वंदी, आपके जो कॉम्पिटिशन में लोग हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जैसे मान लो अगर आप टेलीकॉम में हो, आप जियो हो, तो आपके कंपेटिटर्स कौन हुए? आपके कंपेटिटर्स वोडाफोन हुआ। इसी तरीके से अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपके प्रतिद्वंदी हैं जो आपसे लड़ रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री में सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विस बेचते हैं जो आप बेचते हो, तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप जो आपको एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ लेके जाता है वो ये है कि सबसे पहले जो आपका दुश्मन है, जिससे आप लड़ रहे हो, जिससे आप कॉम्पिटिशन में, जिससे आप उस दौड़ में आगे निकलना चाहते हो और उन सबको बिछाड़ के टॉप प्लेयर बनना चाहते हो, वो सारे लोग आपको, जितने भी आपके दुश्मन है, जितने भी कंपेटिटर्स हैं अपने कॉम्पिटिशन में, अगर आप बिजनेस में हो, कंपनी में हो या स्टार्टअप हो, इन सब की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, समझना है। जब आप अपने दुश्मनों की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना शुरू करोगे, उससे पहले जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जब आपने अपने दुश्मनों की स्ट्रेंथ को पता लगाना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा स्टेप बैक करोगे, आपने ये पूरी की पूरी जो जांच पड़ताल है वो जब करनी शुरू की है, तो आप एकदम से तो अटैक नहीं कर सकते हो, एकदम से आपकी कोई भी फाइनल स्ट्रैटेजी तो आ नहीं सकती। अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की है लोगों के बारे में समझने की, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको समझने की, ताकि उस हिसाब से आप आगे का अपना प्लान बना सको, अपनी स्ट्रैटेजी बना सको उनको पिछाड़ने की। और सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में अपने और अपने सिर्फ अपने और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने की और
उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फेल और फ्लॉप करवा देने की है। तो देखो, जब आपने ये समझ लिया कि जितने भी आपके दुश्मन हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा स्टेप बैक किए, आपने सोचा, विचार विमर्श किया, उसके बाद जो भी आपने एनालिसिस की उसको लेके जब आप आगे पहुंचोगे, बस यहीं पे ये सेकेंड स्टेप आपका शुरू हो जाता है स्ट्रैटेजी बनाने का, कि जैसे ही आपने अपने सारे दुश्मनों की, अपने सारे कंपेटिटर्स की स्ट्रेंथ को समझ लिया, अब आपको उनको मेंटली फोर्स करना है, उनको प्रेशराइज करना है, उन्हें बाध्य करना है कि वो पूरे के पूरे जो मार्केट है आपकी इंडस्ट्री का, उसको कैप्चर करने के लिए अपनी जद्दोजहद लगाना शुरू कर दें, और इतना ज्यादा एफर्ट करें आपके सारे कंपेटिटर्स या आपके सारे दुश्मन की एफर्ट करते 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 जब वो थक जाए, उसके बाद ये सारे के सारे कंपेटिटर्स जब थक जाएंगे, थक के हार जाएंगे, जाहिर सी बात है फिर इनको भी रेस्ट चाहिए, वो स्टेप बैक करेंगे, और जैसे ही ये सारे के सारे आपके दुश्मन स्टेप बैक करेंगे, अब आपको उनकी स्ट्रेंथ पता है, अब आपको पता है कि ये कहाँ पे ज्यादा ताकतवर है, और अब इन्होंने अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी है पूरे के पूरे मार्केट शेयर को लेने की, पूरे पूरे मार्केट ग्रो करने की, और अब ये थक चुके हैं। अब इनके दिमाग में कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नया डिस्ट्रप्शन या इनोवेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से इन्होंने शुरू किया था उसी पॉइंट पे ये वापस जा रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ नया नहीं ला रहे हैं, और अब ये थक गए, और इन्होंने ये भी मान लिया है कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। तो अब आपका चांस है, अब आपको तीसरे स्टेप पे आना है, इस गैप का फायदा उठाने का। जितना वो पीछे गए, वहां पे गैप, एक साफ एरिया, एक साफ मार्केट आपके लिए बन के तैयार है, एक ऐसी बैटल फील्ड आपके लिए तैयार है जो आपका इंतजार कर रही है। ऐसे ही रिंग में भी होता है, जब दो पहलवान आपस में लड़ रहे होते हैं, पहलवान दूसरे पहलवान को बहुत ज्यादा थका देता है, वो तब तक अटैक करता ही नहीं है जब तक वो ये देखता है कि जो उसका ओपोनेंट है, जो उस पर बार बार अटैक कर रहा है, वो थक के चूर ना हो जाए, और जैसे ही उसे देखता है कि जो उस पर बार बार अटैक कर रहा है रिंग में, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, या कुछ भी हो, बस वहीं पे जहाँ उसने फिगर आउट कर लिया कि हाँ अब ये थक के चूर हो चुका है, बस वहीं पे वो अपना अटैक शुरू करता है। बस यही वो सेम स्ट्रैटेजी है। तो जहाँ पे आपको ऐसा गैप या लूपहोल मिलता है कि अब आपके जितने भी दुश्मन थे वो इस बात से निश्चित हो चुके हैं कि अब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब आराम से रिलैक्स मूड में टेंशन फ्री बैठे हैं और कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वहीं पे बस उसी गैप को जो उन्होंने छोड़ा है क्योंकि वो पीछे गए हैं, वहीं पे आपको अपना मार्केट ग्रो करना है, अपना मार्केट शेयर बस धीरे धीरे बढ़ा दे जाना है। अब वहां पे आपने एक पुल तो बनाना शुरू कर दिया जो धीरे धीरे तो नहीं बहुत तेज दौड़ने लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी भी ये जो आपके सारे सारे दुश्मन हैं, सारे के सारे कंपेटिटर्स हैं, सारे के सारे ओपोनेंट्स हैं, वो यही सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही तो आपने काम शुरू किया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस वही आपको निरंतर लगे रहना है, डिस्ट्रप्शन करनी है, इनोवेशन करनी है, और आप देखना धीरे धीरे आप अपनी इस स्ट्रैटेजी से उनसे भी आगे निकल जाओगे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जब भी आप स्ट्रैटेजीज लगाते हो ना, तो आपको वो गैप फाइंड आउट करना है। अगर आपने किसी भी तरह कैसे अपने कंपेटिटर का, अब चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में है, जहाँ आपने उस गैप को फाइंड आउट कर लिया कि जो दूसरा प्लेयर है यहाँ पे कमी छोड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स मूड में है, कहने का मतलब ये है कि आपने अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया, उनको इतना ज्यादा थकाया, दौड़ा दौड़ा के या तो मिसअंडरस्टैंडिंग में या फिर किसी इल्यूजन को क्रिएट करके जो एक्चुअली में वैसा नहीं था जो उनको दिख रहा था, और फाइनली आपने अटैक कर दिया। तो मेरा चैलेंज है आपको कि इस तरीके की अगर आप स्ट्रैटेजीज अपनाने लग जाओगे अपने बिजनेस में, किसी भी तरह के सेटअप में, तो आप सारे के सारे अपने कंपेटिटर्स को, सारे के सारे अपने दुश्मनों को परास्त कर दोगे अपनी इंडस्ट्री में। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक पे मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट फर्म है, ग्लोबल फर्म है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है या एनजीओ है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ, आपको ट्रेन करूँ, मेंटर करूँ, कोच करूँ, काउंसिल करूँ, आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.trolli@gmail.com।